हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी लोगों के लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पर हम गुलाब जल कैसे बनाएं। गुलाब जल एवरीडे हम सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गुलाब जल के बिना तो हमारा स्किन केयर होता ही नहीं है। कोई भी फेस पैक लगाना हो, स्किन केयर रूटीन हो गया हमारा, या फिर एज ए टोनर हम यूज़ करते हैं, मेकअप निकालने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी होम मेड फेशियल हो गया, हर किसी में गुलाब जल बहुत बार यूज़ किया जाता है और एवरी डे हम गुलाब जल यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये मार्केट का गुलाब जल है और आप लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ भी करते होंगे। तो जब भी आप ये गुलाब जल यूज़ करते होंगे तो आप सबके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हम घर पर गुलाब जल कैसे बनाएं। तो गाइज, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मेथड, और आप घर पर इजीली मार्केट से भी अच्छा गुलाब जल बना सकते हैं। जो मार्केट की गुलाब जल होते हैं 100% प्योर तो नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हल्के फुल्के इन रोज़ वाटर में केमिकल्स यूज़ होते ही हैं। तो आप घर पर केमिकल फ्री गुलाब जल कैसे बनाएं, तो चलिए देख लेते हैं पहले कि इस गुलाब जल को आपको कैसे बनाना है। रोज वाटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूखे हुए गुलाब के फूल। तो आप गुलाब के फूल को लेकर तोड़ लीजिए, चाहे तो आप फूल ही ऐसे रख दीजिए और बाद में उनके बीच का हिस्सा अलग कर दीजिए। तो ये गुलाब के फूल की पंखुड़ियां हैं, तो ये 6 से 7 गुलाब के फूल थे। और इसके बाद अब हम एक पैन में पानी लेंगे और जो सूखे हुए गुलाब के फूल की पंखुड़ियां हैं इन्हें हम इसी पैन के अंदर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1 ग्लास पानी लिया है और अब हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये पानी 1/4 ना रह जाए। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि जो रोज पेटल्स हैं इन्हें आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर के हो गए हैं और पानी आपको कुछ ग्रीन कुछ ब्लैक ऐसा दिख रहा होगा, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो जब पानी 1/4 रह जाए तो हम एक स्ट्रेनर लेकर इस छान लेंगे। तो अभी आपको ग्लास में कुछ रेड कलर भी दिख रहा होगा, कुछ ग्रीन ब्लैक सा भी दिख रहा होगा। आप इसे ठंडा करने के लिए इस ग्लास को ऐसे ही रखते हैं, चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने ये ग्लास फ्रिज के अंदर रख दिया था तो ये काफी ठंडा हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊं कि इस पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो इसमें काफी सारी अशुद्धियां होती हैं जो कि नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। तो अब जो ऊपर की तरफ साफ पानी है इसे हम किसी बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये साफ एक छोटी सी बॉटल ले ली है, तो मैं इसी रोज वाटर को इसमें निकाल लूंगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं कि इसका कलर आपको रेड दिखेगा और जो नीचे इसमें ग्लास में पानी रह गया है अभी मैं आपको हिलाकर दिखाती हूँ। तो मैं इसको पूरा फुल भर लूंगी, तो ये देखिए जब आप इसे हिलाएंगे तो ये फिर से पूरा ग्रीन ब्लैक ऐसा आपको दिखने लगेगा। जब आप इसे बनाएंगे तो ये सब कुछ आपको इसी तरीके से दिखने वाला है। इसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन, तो आप 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन या फिर आप 15 से 20 ड्रॉप इसी बॉटल के अंदर डाल दें और इसके बाद हम इस कैप को बंद कर कर इसे अच्छे से शेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने घर पर गुलाब जल बनाना कितना आसान है। ये मैंने अभी बनाया था, तो मैं इसे शाम से बना रही थी। जब मैंने इसको बनाया था, बनाना स्टार्ट किया था, तो जब हम रोज़ पेटल्स को बॉईल करते हैं तो पानी का कलर डार्क ग्रीन आपको ब्लैक ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा तो आप उसे छान लें और छानते टाइम आपको दिख जाएगा। जब आप इसे काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लेंगे तभी आपको इसका हल्का हल्का रेड कलर पैन में ही दिख जाएगा। अगर आप इसको ग्लास में छान लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप इसे फिर से चेक कीजिए, आपको दिखेगा कि बहुत ही हल्का सा रेड रेड कलर आपको दिख रहा है। तो फिर आप इसे स्टेयर करने के लिए ऐसे ही रख दीजिए, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने इसे फ्रिज में रखा था तो ये इस टाइम पर काफ़ी ठंडा ठंडा है। और फ्रिज में जब आप इसे रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद आप इसे चेक कीजिए, लगभग आधा घंटे के बाद, तो आप देखेंगे कि जो डार्क ग्रीन कलर था, जो गुलाब जल बनाते समय उसमें जो अशुद्धियाँ थी वो सब नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है। तो आप इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए, उसके बाद धीरे से आप ऊपर से जो पानी है उसको निकाल लीजिए। वही होता है प्योर रोज़ वाटर और इसका कलर आपको इस तरीके का रेड कलर का दिखेगा। मुझे लगा कि आपके साथ मैं अच्छे से क्लियर कर दूं, फिर बाद में आप लोग कमेंट करके ये नहीं बोलना कि आपका तो रेड कलर का दिख रहा था, मेरा ग्रीन कलर का बना है। तो ग्रीन कलर आएगा ही आएगा,
और जब आप इसे थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरीके से रेड कलर का हो जाएगा। तो ये प्योर रेड कलर का बनकर तैयार हुआ है, घर का बनाया हुआ रोज़ वाटर, और ये मेरे पास मार्केट का है। इसका कलर आपको दिखेगा बहुत ही लाइट पिंक कलर का है, कोई कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसे यूज़ करना गाइस बहुत ही सिंपल है, जैसे आप हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं अपनी स्किन केयर में, और जो भी आप फेस पैक लगाते हैं, होममेड फेशियल यूज़ करते हैं, एज ए स्किन टोनर, एज ए मेकअप क्लिंजर, एंड आप जो भी अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं उसमें आप डेली में इसे शामिल कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बनाने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में जितना भी हम ठंडी चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं उतना ही हमें और ज़्यादा अच्छा फील होता है, साथ ही इसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। तो जब आप ठंडा ठंडा रोज़ वाटर अपने फेस पर लगाएंगे तो आपको इस रोज़ वाटर के लगाने के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस चलिए एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि इसका कलर आपको रेड दिख रहा है तो ये कैसा वर्क करने वाला है। तो मैं इसे एक कॉटन बॉल पर निकाल लूंगी, तो ये इसका कलर आपको रेड दिख रहा है। और मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत बहुत अच्छी वाली फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी सी खुशबू है कि जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपको लगेगा आपने ओरिजिनल रोज अपने हैंड में लिया हुआ है। और आप इसे इजीली, जैसे आप अपना मेकअप रिमूव करते हैं बस उसी तरीके से आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज ए क्लेंजर यूज़ कर लीजिए, और आप चाहें तो इसे स्प्रे बॉटल में भी डालकर रख सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये देखा आपने, ये मेरा मेकअप निकल चुका है इससे। तो मैंने एक हल्की सी क्रीम लगाई हुई थी, तो जो भी काफ़ी मतलब टाइम हो गया, शाम को ही मैंने फेस वॉश किया था, तो जो भी मेरे फेस पर गंदगी भी थी सारा सब कुछ निकल कर बाहर आ चुकी है, और ये कॉटन आपको काफ़ी गंदी दिख रही होगी। तो ये रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रियली फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है आप सबको बहुत पसंद आया हो, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।